बोल दो ना जरा र र र र र न र र र र र र र र। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रो साउंड एकेडमी में। आज का हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्तों कि अपने स्टूडियो में किस प्रकार से हम रिकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों, और रिकॉर्डिंग करने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हम इस वीडियो में आपको लाइव रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से दोस्तों सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की जाती है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही तमाम एक से बढ़कर एक वीडियो दोस्तों इस चैनल पर आती रहेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपनी स्क्रीन पर आ गए। स्क्रीन पर दोस्तों हमने अपने FL Studio सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती है। तो अब आपके पास देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिख रहे हैं रिकॉर्डिंग का, ये यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, ठीक है। ऊपर ये ऊपर के साइड है जो आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग का बटन है। अभी इसको आपको ऑन नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने माइक को ऑन करना है। जब कभी भी आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर आपने कंडेंसर माइक का ही यूज किया है दोस्तों, ठीक है, डायनेमिक माइक्स और कंडेंसर माइक दो अलग प्रकार के माइक होते हैं। तो दोस्तों जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है वो कंडेंसर माइक के द्वारा ही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही अच्छा इससे आउटपुट आता है दोस्तों, ठीक है। तो कंडेंसर माइक को दोस्तों 48 वोल्ट का फैंटम पावर चाहिए होता है। तो उस फैंटम पावर को जब तक हम ऑन नहीं करेंगे, यानी कि दोस्तों हम अपने माइक को, कंडेंसर माइक को जब तक दोस्तों करंट नहीं देंगे, तब तक दोस्तों हमारा वो माइक ऑन नहीं होगा। तो आपको अपने ऑडियो इंटरफेस से दोस्तों अपने माइक का 48 वोल्ट फैंटम पावर को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों एक बटन होती है और उस बटन को दोस्तों आप लोगों को ऑन करना पड़ता है। तो उस बटन को जैसे ही हम ऑन करेंगे, हमारे माइक के अंदर दोस्तों एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की लाइट जलने लग जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि हमारा माइक ऑन हो गया है। तो अब हमारा माइक ऑन हो गया दोस्तों, हमारे माइक को करंट मिल गया, फैंटम पावर ऑन हो गया। अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों हमने यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है, और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद दोस्तों हम अपने ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने ऑडियो ड्राइवर में आ गया, और अब आपको अपने ऑडियो इंटरफेस का ड्राइवर सिलेक्ट करना है। मेरे केस में FL Studio SIO ड्राइवर है, मेरा जो ऑडियो इंटरफेस का ड्राइवर है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हमने यहाँ से सब कुछ कर लिया दोस्तों। हम एक ट्रैक असाइन करेंगे, यानी कि ट्रैक नंबर 1 पे हम चाहते हैं कि हमारी ये रिकॉर्डिंग हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो देखिए ट्रैक मोड दिख रहा है, ट्रैक मोड पे आएंगे आप यहाँ से, फिर ये ऑडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक में आपको इंसर्ट 1 करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट 1 करेंगे, इंसर्ट 1 करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रिकॉर्डिंग इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो तीन प्रकार की, ये जो तीन बटन दिख रहे हैं, इसके ऊपर जब आप पहला क्लिक करेंगे, ये इनपुट आपका सिलेक्शन बताएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपके ऑडियो इंटरफेस में लेफ्ट राइट दो कंडेंसर माइक लगाने का जगह है, तो पहला आपका इन 1 हो जाएगा, दूसरा आपका इन 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बात और नोट करिए दोस्तों, जब कभी भी हम अपने वोकल को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा वोकल दोस्तों मोनो में ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब कभी भी हम अपने वोकल को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एक थ्योरी होती है मोनो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम अपने वोकल को मोनो में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमको इन 1 सिलेक्ट करना है या इन 2, यानी कि अगर हमने अपने लेफ्ट जैक में अपने माइक को इनपुट किया हुआ है तो इन 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर राइट जैक में हमने अपने ऑडियो इंटरफेस से माइक इनपुट किया हुआ है तो इनपुट 2 को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो हमने अपने केस में पहले नंबर स्लॉट में, पहले नंबर वाले जैक में दोस्तों यहां पे मैंने अपना ये माइक लगाया हुआ है दोस्तों। तो हमने यहां से इनपुट 1 सिलेक्ट करेंगे। अब रही बात ये मोनो और स्टीरियो, ये क्या होता है दोस्तों, अब आप यहां देख सकते हैं, नीचे यहां पे मोनो लिखकर आ रहा है और ऊपर यहां पे स्टीरियो लिखकर आ रहा है। तो हमने जैसा कि आपको बताया, हमारी वोकल जब कभी भी हम अपने वोकल को रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, हमको मोनो ही सिलेक्ट करना है। तो नीचे यानी कि ये मोनो है, मोनो के बाद दोस्तों ये इन 1, ठीक है, इन 1 को मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों, वो आपको उसका फीडबैक सुनाई दे रहा है दोस्तों। तो उस फीडबैक को दोस्तों हम सबसे पहले बंद करते हैं, ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस वाले जो साउंड का आइकॉन है, इस पे क्लिक करके, ठीक है, हम यहाँ से ये
ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, हम जो भी कुछ बोलेंगे वो हमें सुनाई नहीं देगा, यानी कि हमने अपने वॉइस का मॉनिटर बंद कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अगर हमको फिर से ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑन हो गया, तो हम इसको ऑफ ही रख देते हैं, हम यहाँ पे ऑफ रख दिए। अब हम जो भी चीजें बोलेंगे दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग वाले बटन के ऊपर हमको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, तो अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद हमको इस बटन को ऑन करना है, ठीक है, जैसे कि ऑन ही है, ठीक है, यानी कि हमने अपने इंसर्ट वन को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से ये जो रिकॉर्डिंग का बटन है इसको हमको ऑन कर लेना है। अब हम यहाँ से अपने स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जैसा कि अब आप देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रो साउंड एकेडमी में, और आज आप लोग देख रहे हैं हमारी ये रिकॉर्डिंग स्पेशल वीडियो। तो अब आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने जो भी बोला दोस्तों वो यहाँ पे हमारी वोकल रिकॉर्ड हो गई। चलिए आइए सुनते हैं किस प्रकार से रिकॉर्डिंग हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रो साउंड एकेडमी में, और आज आप लोग देख रहे हैं हमारी ये रिकॉर्डिंग स्पेशल वीडियो। तो देखा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रिकॉर्डिंग किया जाता है दोस्तों। अब अगर आप अपने सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओरिजिनल सॉन्ग ट्रैक बना रहे हैं, या किसी भी प्रकार का आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस दोस्तों यही होगा। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि रिकॉर्डिंग का सही प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। लेकिन ये फैंटम पावर को ऑन करना ना भूलिएगा, अदरवाइज आपकी कंडेंसर माइक दोस्तों रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको करंट की जरूरत होती है। करंट उसको 48 वोल्ट का फैंटम पावर करंट चाहिए होता है। तो दोस्तों मैंने अपने केस में ऑन कर दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं हम इस ट्रैक में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम ट्रैक मोड में जाएंगे, ऑडियो ट्रैक में जाएंगे, इंसर्ट टू पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए सब सिलेक्शन आ गया, यहाँ से हमने अपने इनपुट वन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वही वापस से हमारी वॉइस फीडबैक मॉनिटर जो था वापस आने लगा, तो हमने क्या किया, मॉनिटर को ऑफ कर दिया। यहाँ से हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग का बटन दोस्तों ऑन है। अब हम यहाँ से स्पेस बार को प्रेस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे हैं एक दूसरा प्रोसेस दोस्तों, दूसरे ट्रैक में मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये फिर से वो रिकॉर्ड कर लिया, मैं फिर से आपको सुना दे रहा हूँ, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे हैं एक दूसरा प्रोसेस दोस्तों, दूसरे ट्रैक में मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से रिकॉर्डिंग की जाती है। अब वही चीज़ दोस्तों, अब हम अपने क्यूबेस में कैसे करेंगे, ठीक है। क्यूबेस भी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, चलिए तो क्यूबेस के अंदर भी दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं, सबका प्रोसेस दोस्तों सेम रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने एक क्यूबेस सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। उसके लिए भी हमको क्या करना है, हमको अपने ड्राइवर को सिलेक्ट कर लेना है। ड्राइवर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड ट्रैक करेंगे, ऑडियो ट्रैक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो ट्रैक आ गया, यहाँ पर भी हमको वही पूछ रहा है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट वन, ठीक है, जो कि हमने लेफ्ट में लगाया हुआ है, इनपुट वन मोनो, इनपुट टू मोनो, इनपुट वन एंड टू स्टीरियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से हमने कॉन्फ़िगरेशन मोनो दे दिया, इसके बाद स्टीरियो आउटपुट वो ठीक है। अब यहाँ से हम ऐड ट्रैक कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ऐड ट्रैक हो गया। अब वही चीज़ हम अगर यहाँ से आपको प्ले करते हैं तो अब आप देखिए मॉनिटर को मैंने ऑन कर दिया, हमारी वॉइस आपको सुनाई देने लगी। वहीं अगर मॉनिटर को मैंने ऑफ कर दिया, देखिए हमारी वॉइस बंद हो गई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके से, जैसा कि आपने FL स्टूडियो में दोस्तों देखा हुआ था। तो अब हम यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको हम सबसे पहले सोलो कर ले रहे हैं, और यहाँ से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं आपको किस प्रकार से रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बटन से दोस्तों, यहाँ से हमको रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया, अब आप देखते रेड कलर हो गया। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, ये हमारा क्यूबेस का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने सामने। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ से इस रिकॉर्डिंग को दोस्तों सुनाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया, अब आप देखते रेड कलर हो गया। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, ये हमारा क्यूबेस का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने सामने। तो देखा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारी रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों। किसी भी सॉफ्टवेयर में दोस्तों सबका प्रोसेस सेम रहता है। एक हमारे सामने एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम आपको सुना दे रहे हैं, और इसी के ऊपर दोस्तों हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ गा के भी सुनाएंगे कि एक लाइव रिकॉर्डिंग किस प्रकार से हम करते हैं। पहले आप यहाँ पे सुन लीजिए। ओ, 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 ओ,
बारिशें मैं भर कर के लाई हूँ आँखों में पानी। तो देखा दोस्तों, कुछ इस प्रकार की यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है दोस्तों। अभी सॉन्ग को दोस्तों रिलीज करना है, रिलीज जल्दी करेंगे दोस्तों, ठीक है। और अब मैं इसी सॉन्ग के ऊपर, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर दोस्तों अपनी वॉइस को मैं थोड़ा सा गुनगुना के आप लोग को सुनाता हूँ दोस्तों। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस मैं एक डेमोन्स्ट्रेट पर्पज पे दोस्तों आप लोगों को सुना रहा हूँ। और बोल तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा गाया है मैंने। मैं आपको इसका सुना दे रहा हूँ दोस्तों। बोल दो ना जरा नर रर रर नर रर 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 रर। हमें आशा है कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करने का सही तरीका, सही प्रोसेस दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपको हमारा आज का ये वीडियो लगा दोस्तों, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं साउंड इंजीनियरिंग के फील्ड में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। हम आगे भी ऐसे आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दोस्तों देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले किसी नए एपिसोड, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपडेटेड रहिए। नमस्कार।